तो अभी तक मैंने माइनक्राफ्ट पिक्सेलमॉन के बहुत सारे एपिसोड्स डाल दिए, बट ये क्या मेरे पास अभी बस 3 ही पोकेमॉन है? ऐसे में तुम्हारा भाई इपिक केचम कैसे बनेगा? तो यस गाइस, आज हम लोग पिक्सेलमॉन में पकड़ने वाले कुछ और नए नए लेजेंडरी पोकेमॉन्स, जैसे कि चीबी, बुलमासॉर, अग्लीपफ। हाँ, मैं तब तक पोकेमॉन्स का नाम सही से नहीं लूंगा जब तक तुम लोग इस वीडियो पर ढेर सारे लाइक्स नहीं मार देते। ओके, तो चला जाए ढेर सारा नया नया लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ने। वो व्हाट द हेल इज दिस? अब ये क्या बार बार आ जाता है मेरे वर्ल्ड में? रुक जा, अब तो मुझे इसके अंदर जाके ट्राई करना ही पड़ेगा। मेरे पास कोई ब्लॉक्स नहीं है भाई, ब्लॉक्स क्यों नहीं? रुक जा, ब्लॉक्स कलेक्ट करने तो फटाफट। ये पता नहीं क्या अजीबोगरीब चीज आ जाता है मेरे वर्ल्ड में, ये शायद किसी तरह का पोर्टल है। रुक जा, इस बार तो मैं इस पोर्टल के अंदर जाके ही रहूंगा। चलो 26 ब्लॉक कलेक्ट हो गए, फटाफट इस पोर्टल के अंदर चल। यार क्यों होता है हमेशा मेरे साथ? ओके, तो पोर्टल के अंदर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया मैंने, मतलब कैंसिल करना पड़ गया। तो ये ना करके अभी हम लोग करने वाले ये 4 क्वेस्ट। मुझे आज पता चला कि हम लोग के पास क्वेस्ट भी है करने को। ये देखो, सबसे पहला क्वेस्ट है माइन 20 डायमंड ओर, जिसमें तुम्हारा भाई एक्सपर्ट है। एंड अच्छी बात यह है कि हम लोग को माइनिंग करते हुए क्या पता कोई लेजेंडरी रॉक टाइप पोकेमॉन भी मिल जाए, और यहाँ पे कैच फायर टाइप पोकेमॉन। वैसे भी मुझे पोकेमॉन पकड़ना था, तो दूसरा क्वेस्ट भी हो जाएगा। और ये तीसरा है क्राफ्ट हीलर, ओके ये भी हो जाएगा। चलो आज सारा क्वेस्ट कर ही डाला जाए। फाइंड मास्टर बॉल, अभी जो मैंने बोला उसे इग्नोर मार देना। ये मास्टर बॉल मिलना इम्पॉसिबल है, अभी मैं मास्टर बॉल नहीं ढूंढने वाला। इसे ढूंढने के लिए मुझे शायद इंड में जाना पड़ेगा, जहाँ पे जाते जाते मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, तो वो छोड़ता हूँ। अभी सबसे पहले मैं हीलर क्राफ्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, इसे क्राफ्ट करने के लिए 4 आयरन, 1 डायमंड और 4 अल्मोनियम प्लेट चाहिए। वेट ए सेक, चारों चीजें हैं मेरे पास। ओके, लगता है ये क्वेस्ट तो अभी कम्प्लीट हो जाएगा। तो अल्मोनियम ये रहा, डायमंड ये रहा, एंड आयरन होना चाहिए इधर कहीं। हे भगवान, प्लीज बोल दो आयरन है मेरे पास कहीं पर, प्लीज। ओके, चलो थैंक गॉड आयरन है मेरे पास। मैंने अपना सारा आयरन तो ये सारे पोकेबॉल क्राफ्ट करने में लगा दिए, लेकिन कोई बात नहीं, माइनिंग पे तो जाएंगे तो आयरन तो मिल ही जाएगा। और इसके लिए मुझे अल्मोनियम प्लेट चाहिए। भाई साहब, इस पिक्सल में बहुत ज्यादा ग्राइंड है भाई, मेरे जैसे आलसी लोगों के लिए ये गेम बिल्कुल नहीं बना। हर एक चीज में ये लोग मेहनत करवा रहे हैं मुझसे, और देखो मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी तुम लोग वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज गाइड कर दो, तभी मैं मम्मी को बोल पाऊंगा कि मम्मी मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो गए। ओके, तो अल्मोनियम प्लेट भी मैंने बना लिया, तो अब फाइनली हम लोग अपने लिए बना पाएंगे एक हीलर। लेट्स गो, और देखना दो क्या मेरा क्वेस्ट पूरा तो हो गया है, लेकिन कुछ रिवार्ड मिला या नहीं? पता नहीं, कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हीलर तो बन गया। अब मुझे बार बार नज़्वा के पास नहीं जाना पड़ेगा। वेट ए सेक, फिर मैं उन पर लाइन कैसे मारूंगा? ओके, तो अब बस 2 क्वेस्ट बचा है, 20 डायमंड ढूंढना, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है तुम्हारे भाई के लिए, और एक फायर टाइप पोकेमॉन कैच करना। ठीक है, आज का मकसद भी तो मेरा यही था, ढेर सारे लेजेंडरी पोकेमॉन कैच करना। तो इट्स मी मारियो। ओके, ये मारियो मुझे सिग्नल दे रहा है कि मुझे इस साइड से माइनिंग करने जाना चाहिए। व्हाट द हेल, वो बंदा सही में मारियो जैसा देखने में लग रहा था। ओके, यहाँ पे ढेर सारे आयरन ओर, बॉक्साइट ओर सब है, चलो रख लेता हूँ। तो अब बस ढूंढना है ढेर सारे डायमंड। ओके, ये डिफरेंट टाइप का ओर मिला, पता नहीं कितने सारे ओर है यहाँ पे, सब रख लो, कुछ नहीं छोड़ूंगा। इधर फिर से स्पॉनर मिल गया मुझे। यार हो क्या रहा है यहाँ पे, हर जगह स्पॉनर क्यों है? देखने दो यहाँ पे। ओके, गोल्डन एप्पल मिल गया, चलो लेट्स गो। एंड यहाँ पे ये सारा प्लेट मिल गया, एंड इसे भी तोड़ के ढेर सारा एक्सपीरियंस ले लिया जाए। तो गाइज, आज का दिन तो मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा जा रहा है। हेलो मैम, कुछ हेल्प चाहिए क्या? चाहिए भी होगा तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, एंड बाकी लोगों की तरह मैं सिंप नहीं हूँ। और ये देखो, मुझे यहाँ पे एक जुवेट मिल गया। ना, ये लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं है, मैं सिर्फ लेजेंडरी पोकेमॉन को ही कैच करूंगा। इपिक लोग बस इपिक चीजें करते हैं बस। बापरे, यहाँ पे लावा कहाँ से आ गया? ओके, नॉट ओके, कुछ खाने दो पहले। एंड गाइस, हम लोगों को डायमंड मिल गया, लेकिन मैं यहाँ पे शायद नहीं मरूंगा भाई, मुझे तो लगा मैं गया। थैंक गॉड वो लावा पुल नहीं था, नहीं तो पक्का चला जाता। लेकिन देखने दो यहाँ पे कितने सारे डायमंड मिले मुझे। लैपिस मिला, लेकिन लैपिस मुझे नहीं चाहिए। 1, 2, 3 नहीं यार, सारे डायमंड लावा में जा रहे हैं। ये सारा गलती इस पोकेमॉन का है, इसी के कारण ये सब हुआ। तो यहाँ पे मिला है मुझे टोटल 5 डायमंड, पता नहीं। अरे ये बंदा फिर से आ गया, चलो इस बार इसे इग्नोर मार देता हूँ। तो टोटल अभी मेरे पास 5 डायमंड हो गया है।
ओके, एक और पोकेमोन दिख गया हम लोगों को। ये देखने दो, ये देखने में थोड़ा सा ओके, ये खतरनाक लग रहा है। यस यस यस, इससे बैटल तो करना पड़ेगा। वैसे देखने में तो ये तो फायर टाइप पोकेमोन लग रहा है। देखो लावा के पास भी है, तो चलो भैया जी पकड़ा जाए इसे और मेरा फाइट होगा पिकाचू से। आई थिंक सो पिकाचू इसे इजीली हरा देगा। मैंने लेवल 41 का कर दिया इसे, तो चलो सबसे पहले इसे बिजली का झटका दिया जाए। ओके, एक अटैक में इसका हेल्थ इतना कम गया। तो रुक जाओ, मुझे याद आ गया, मुझे अब इस पे पोकेबॉल फेंकना है। यप, मैं तुम लोग के कमेंट्स पढ़ता हूँ। हमेशा मैं इन सभी पोकेबॉल से फाइट करके इन्हें किल कर देता था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसे इनका हेल्थ कम करके इन्हें कैच करना पड़ता है। तो देखा जाए, प्लीज भैया जी एक अटेम्प्ट में कैच हो जाना। लेट्स गो, मैंने एक और पोकेबॉल कैच कर लिया। ठीक है, तो अब पता कैसे चलेगा ये कौन सा टाइप का पोकेबॉल है? रुक जाओ चेक करने, तो समरी में शायद पता चल जाए। तो कुछ तो नहीं पता चल रहा। गुलगुल बाबा की जय हो। ओके गाइस, तो मुझे पता चल गया, ये रॉक टाइप पोकेमोन है, फायर टाइप पोकेमोन नहीं है। इसका लुक देख के लग रहा था ये फायर टाइप निकलेगा। कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। और ये तो देखने ही सही रॉक टाइप लग रहा है। नहीं भैया, रॉक टाइप नहीं चाहिए मुझे। रुक जाओ ना, वो भी नहीं चाहिए यार। ये सब भूत प्रेत वाली पोकेमोन है, एंड भूत प्रेत से मुझे डर लगता है, तो मैं ऐसे टाइप के पोकेमोन नहीं कैच करूंगा। मैं तो बस एकदम मस्त पोकेमोन कैच करूंगा, और मेरे मस्त वाले लिस्ट में ये बंदा तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, हम लोगों को डायमंड फिर से मिल गया, लेट्स गो। तो ये हुई ना बात, बस भगवान जी यहाँ पे प्लीज मुझे ढेर सारे डायमंड दे देना। यार एक ही डायमंड दिया इन लोगों ने, ये सब गलत बात है। What the hell, वो डायमंड नहीं, वो क्रिस्टल था। A few minutes later, एंड ये माइन करते करते मैं आ चुका हूँ किसी तरह के अजीबो गरीब माइन शाफ्ट में। ओह, डायमंड नहीं है वो। उल्लू बनाया, बड़ा मजे आया। देखा तुम लोग बेवकूफ बन गए ना, ये देखो ये डायमंड नहीं है, ये एक्चुअली में क्वाज है। देखो बोला था ना मैंने। ओ रुक जाओ, ये रहा डायमंड। यप, दिस इज डायमंड 1, 2, 3, 3, 4। ओ हो, मजा आ गया भाइयों, मजा आ गया। तो चलो यहाँ पे चार डायमंड मिल गया, लेट्स गो। तो ये माइनक्राफ्ट थोड़ा काम का निकला, मजा आ गया। अरे यार थोड़ा सा अच्छा क्या बोल दिया इस माइनक्राफ्ट को, इसने तो मुझे परेशान करना ही चालू कर दिया। गंदे माइनक्राफ्ट, तुम अच्छे माइनक्राफ्ट नहीं हो। ओके, चेस्ट मिल गया, चेस्ट में। ओ भाई, आज हो क्या रहा है, हर जगह डायमंड की बारिश और गोल्डन एप्पल की भी बारिश हो रही है। इतना लकी मैं कब से हो गया। और ये क्या सिलिकॉन, ये क्या थंडर स्टोन, चलो सब कुछ रख लेता हूँ। ओके, तो एक बार फिर से हम लोगों को मिल चुका है डायमंड, एंड यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है। तो टोटल हमारे पास हो चुके 14 डायमंड। अब बस 8 और ढूंढना पड़ेगा, और एक बार और हम लोगों को मिल चुका है डायमंड। आई होप प्लीज इस बार 20 कंप्लीट हो जाए। दिमाग खराब हो गया डायमंड ढूंढ के मेरा। एंड यस, 21 डायमंड हो गए भाई। चलो एक और हम लोग का टास्क कंप्लीट हो गया। तो देखने दो ये टास्क कंप्लीट हुआ या फिर रिटर्न टू गुजमा। ओके भाई, फाइनली आ गया बाहर। बाहर आके इतना मजा आ रहा है ना, क्या बताऊं। इतने तरह तरह के पोकेमोन देख के मजा आ गया। तो अब बताओ, अब किसे पकड़ा जाए? रुक जाओ, वो हवे में उड़ रहा है, उसे पकड़ने का मन कर रहा है, या फिर ये बटरफ्लाई? ना, बटरफ्लाई से ज्यादा वो अच्छा लग रहा है, चलो उसे पकड़ा जाए। अभी तक मैंने कोई उड़ने वाला पोकेमोन नहीं पकड़ा, चलो तो इसे ही पकड़ा जाए। भैया जी फाइट चालू करो, मुझसे फाइट करो। अरे नहीं भाई, ये लेवल 40 का है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया मेरे लिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इसे बिजली का झटका दिया जाए, आई होप सो ये काम कर जाए इस पे। अरे भाई ये क्या हो गया, आज सबको 440 वोल्ट का झटका क्यों लग रहा? इसका भी हेल्थ एक अटैक में इतना ज्यादा कम हो गया है। तो चलो इस पे पोकेबॉल ट्राई किया जाए। अरे नॉर्मल वाला बॉल नहीं मेरे पास क्या? कोई बात नहीं, इसे ट्राई किया जाए, देखा जाए क्या इससे हमारा काम बनेगा। नहीं, अरे काम तो नहीं बना। तो रुक जाओ, इस बार मैं अल्ट्रा बॉल ट्राई करता हूँ, प्लीज इस बार काम बन जाना भाई, प्लीज। ओके, चलो एक और खतरनाक पोकेमोन मैंने पकड़ लिया। गाइस मजा आ गया, एक उड़ने वाला पोकेमोन कैच कर लिया मैंने। तो देखने दो क्या इसके ऊपर। ओ भाई मैं उड़ सकता हूँ हवा में। अरे भाई ये पोकेमोन तो मेरा सस्ता ही लाइट्रा बन गया। ओपी, आज का दिन सच्ची में बहुत ही मजा आ रहा है मेरा। ओके चलो, बहुत परेशान कर दिया मैंने इससे। आउच, चोट लग गया। तो देखने दो, ये शायद फायर टाइप पोकेमोन है। यप, ये देखो मेरा क्वेस्ट भी कंप्लीट हो गया, और फिर से ढेर सारा नया क्वेस्ट भी मिल गया। ओके, तो अब बस एक ही पोकेमोन कैच करना बचा है, तो मैं सोच रहा क्यों ना इस बार एक लेजेंडरी पोकेमोन से फाइट किया जाए।
अरे भैया तुम्हारी बात नहीं कर रहा था मैं, ये देखो लेजेंडरी पोकेमोन से मैं इन सभी की बात कर रहा था। ये देखो इसका लेवल 70 है भाई, मैं तो पक्का इससे हारने वाला हूँ, लेकिन फिर भी डरते हैं क्या? चलो चलो तो जल्दी जल्दी तुम लोग मंत्र पढ़ना चालू कर दो ताकि मैं जीत पाऊँ। ओके मेरा चार्मेंडर वन शॉट में हार गया, तो अब लड़ेगा सिनेक्स, देखा जाइए तो पक्का इसे नहीं हरा पाएगा। सही पकड़े हैं। अरे यार ये लेजेंडरी पोकेमोन मेरे हर एक पोकेमोन को वन शॉट में हरा रहा है, क्या करूं मैं? चलो तो देखा जाए क्या ये नया वाला पोकेमोन इसे डैमेज देगा। इसने डैमेज दिया 1.7%। व्हाट द हेल भाई, ये भी कोई डैमेज है, इससे क्या होगा? और ये भी हार गया वन शॉट में। देखता हूँ ये कितना डैमेज देता है, इसका लेवल तो अच्छा खासा है, फिर भी ये भी वन शॉट में हार गया। चलो कुछ तो डैमेज किया इसने। तो गाइस अब बस मेरे पास बचा है पिकाचू। चलो भैया देखा जाए ये क्या कमाल दिखाएगा। ओके एट द एंड मैं इसे नहीं हरा पाया, अभी भी मेरे पोकेमॉन्स का लेवल बहुत ही ज्यादा कम है, जिसे बढ़ाएंगे हम लोग अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।